Hello students, it's our worksheet number 3 for mathematics. Yes, for class 6 and scheduled to be done on 22nd September 2020. Students, today's worksheet is on the topic to know our numbers, your first chapter in your mathematics book. बेटा आपकी मैथमेटिक्स बुक जो आपकी मैथ्स की बुक है उस पर फर्स्ट चैप्टर जो है उसी से रिलेटेड आपकी वर्कशीट है आज भी. तो आज हम सीखेंगे एडिशन. देखिए, हरप्रीत हैज वन मार्बल, रहीम हैज टू मार्बल्स, रेखा हैज थ्री मार्बल्स एंड राखी हैज फोर मार्बल्स. फाइंड द टोटल ऑफ मार्बल्स. बेटा ये छोटी डिजिट आपको बोली गई है ताकि आप उसको एक बार समझ लें और उसके बाद आप इसे कर सके. आप सभी बच्चों को ये ऑलरेडी आता है तो आप सोचेंगे ये क्या, हमें तो पहले से आता है. लेकिन ये इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जब एक टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो इजी से कॉम्प्लेक्स पे जाते हैं. पहले आपको इजी चीज़ें याद दिलाई जाती है कि आप ये सब जानते हैं और उसके बाद बताते हैं कि ये अब आपको उससे आगे क्या करना है. तो देखिए, ये तो था हरप्रीत जिसके पास एक ही मार्बल है, रहीम के पास दो मार्बल हैं और फिर रेखा के पास तीन मार्बल हैं और राखी के पास चार मार्बल हैं. हमने जब टोटल मार्बल्स के देखे बेटे, यहाँ डिजिट्स में लिख लिया 1+3+3+4 और अगर हम इन्हें इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स देखें तो ऑब्जेक्ट्स हमने ये सारे यहाँ लिख लिए, तो ये टोटल कितना है 10. अब हमें देखना है कि आखिर व्हाट इज़ एडिशन, एडिशन होता क्या है. और बेटा स्पेशली एडिशन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको प्लस करना आता है. आप तो सोचें हम मुझे तो प्लस करना आता है तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है. देखिए, ये जो क्वेश्चन अराइज हुआ, अगर वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं आपको, अब शब्दों में वही काम करना है. आपसे कोई सवाल, कोई पहेली पूछी जाएगी, अब वो पहेली है, ये शब्द पहेली है. जब आपसे ये पजल पूछा जा रहा है तो किस में है, ये वर्ड्स में होता है. तो इसमें आपको अंडरस्टैंड करना है कि जहाँ पर भी पुटिंग टुगेदर, All together, how many in all, total, sum या counting ahead, ये words अगर आ रहे हैं तो हमें वहाँ करना क्या होता है, add करना होता है, यानी कि उसका total करना होता है. अब देखिए, यहाँ पर आपको questions करके भी दिखाए गए हैं. Write in columns and add. तो write in columns में बेटा क्या ध्यान रखेंगे, देखिए ones, टेंस, हंड्रेड, आप इस तरह से डिजिट को डिजिट के नीचे लिखेंगे. जो वंस प्लेस है उसके नीचे वंस प्लेस आएगा, जो टेंस प्लेस है उसके नीचे टेंस प्लेस आएगा, हंड्रेड प्लेस के नीचे हंड्रेड प्लेस आएगा और टेन थाउजेंड के नीचे टेन थाउजेंड और टेन थाउजेंड के नीचे थाउजेंड प्लेस आएगा. और बेटा ये देखिए, सिक्स प्लस ज़ीरो इज सिक्स, फाइव प्लस फाइव इज टेन, टेन का ज़ीरो वन कैरिड ओवर, नाइन प्लस वन टेन, टेन प्लस फोर इज फोर्टीन, फोर्टीन का वन, देन टू टू फोर, फोर प्लस वन इज फाइव, देन सेवन प्लस सिक्स इज थर्टीन. यस, अब देखिए ये है हमारी वर्ड प्रॉब्लम जिसको हम पजल भी कह सकते हैं. तो देखिए, देयर आर 3786 मैन, देयर आर 3786 मैन, 3672 वुमेन, 1508 चिल्ड्रन इन विलेज. फाइंड द टोटल पॉपुलेशन इन द विलेज. तो बेटा आपने क्या किया, पहले आपने जो वर्ड स्टेटमेंट दी है उसी में से अपने सेंटेंसेस बनाए, अपने स्टेटमेंट्स बनाई. सबसे पहले हमें दिया टोटल नंबर ऑफ मैन जो है 3786, टोटल नंबर ऑफ वुमेन 3672, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन 1508. अब हमने क्या किया, तीनों को लिखा तो टोटल मिला के क्या हो जाएगा, हमारी पॉपुलेशन बनेगी. हमने क्या किया, इसको ऐड प्लस किया. इसको जब हमने इसको ऐड किया तो देखिए, सिक्स प्लस टू इज एट, एट एंड एट इज सिक्सटीन, सिक्सटीन के बाद वन कैरिड ओवर, एट प्लस वन इज नाइन, नाइन प्लस सेवन इज सिक्सटीन, देन अगेन वन, सेवन प्लस वन इज एट, एट प्लस सिक्स इज फोर्टीन, फोर्टीन प्लस फाइव इज नाइनटीन, नाइनटीन के बाद बेटा वन फिर से, तो थ्री प्लस वन फोर, फोर प्लस थ्री इज सेवन एंड सेवन वन इज एट. यस, नाउ इट्स टाइम टू डू आर प्रैक्टिस. तो अब देखिए बेटा, यही आपको दिए गए हैं, जैसे आपको ऊपर बताया गया कि सही प्लेस वैल्यू पे आपको क्वेश्चंस को लिखना है और उसके बाद आपको सम्स को ऐड करना है, सॉल्व करना है. तो ये देखिए, ये आपके पास है प्रॉब्लम जो आपको सॉल्व करनी है.
उसके अलावा ये वन प्रॉब्लम है, अ मैन प्लक 435 मैंगोस फ्रॉम वन ट्री, 450 मैंगोस फ्रॉम सेकेंड ट्री एंड 295 मैंगोस फ्रॉम थर्ड ट्री। देखिए 435 है फर्स्ट ट्री से, 450 है सेकेंड ट्री से, और फिर उसके बाद क्या है 295 है थर्ड ट्री से। तो अब हमें टोटल निकालना है कि कुल कितने मैंगोज हैं उसके पास। अब देखिए ये मैंने आपके लिए यहाँ पे सॉल्व भी किए हैं सारे क्वेश्चंस। तो आप ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो हमारा है उसमें क्या है, उसमें ये हमें दिया गया है 541 and 654। तो मैंने अभी आपको बताया था आपको क्या याद रखना है, आपको वंस प्लेस, टेंस प्लेस और हंड्रेड प्लेस का ध्यान रखना है, और हमेशा अरेंज करते हुए वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस प्लेस और हंड्रेड प्लेस के नीचे हंड्रेड, थाउजेंड के नीचे थाउजेंड्स प्लेस। तो यहाँ देखिए 1 + 4 = 5, 4 + 5 = 9, 5 + 6 = 11। नाउ सेकेंड पार्ट, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, आप सब जानते हैं, आई नो दैट, लेकिन आज हम अपनी जो नॉलेज है उसको फिर से ब्रश अप कर रहे हैं, फिर से सारी चीज़ें दोबारा रेडी हो रहे हैं हम उससे आगे के क्वेश्चंस करने के लिए। इसलिए आपको ये पहले इजी से आगे लेकर जाएंगे बेटा, जो कनेक्टेड जो आप पहले से जानते हैं, अब जो आप नहीं जानते होंगे तो उसे उससे कनेक्ट किया जाता है। अब देखिए वंस प्लेस पे 1 + 7 = 8, 4 + 8 = 12, तो यहाँ 1। अब देखिए 5 + 1 = 6, 6 + 4 = 10, देन 8 + 1 = 9, 9 + 5 = 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए हमारा लेवल बढ़ता जा रहा है, पहले हम कहाँ गए, 100 प्लेस तक गए, 100 प्लेस के बाद हम 1000 प्लेस तक गए, और अब हमारे पास आ गया 10,000 प्लेस तक। तो इस तरह से बेटा, इसलिए आपको हर क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखना है, आप इंजॉय करते करते ही अपनी वर्कशीट को इंजॉय करिए और साथ साथ आप एक नई चीज़ सीख लेंगे। अब ये देखिए वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000। अब देखिए 5 + 5 = 10, 1 + 4 5, 5 + 1 = 6, देन 5 + 8 = 13, 13 + 1, 2 + 1 = 3, 3 + 5 = 8 एंड 4 + 1 = 5। नाउ नेक्स्ट आर क्वेश्चन, जो हमारी वर्ड प्रॉब्लम दी गई थी बेटा वो क्या थी, हमारी वर्ड प्रॉब्लम है नंबर ऑफ मैंगोज प्लक्ड फ्रॉम ट्री वन। आप उसी दी हुई स्टेटमेंट में जो आपको वर्ड प्रॉब्लम दिया उसी से आपको स्टेटमेंट्स बनानी है। जो पहली बार बताया वो बताया नंबर ऑफ मैंगोज प्लक्ड फ्रॉम ट्री वन, तो है 435। अब देखिए उसके नीचे ही आपको डिजिट लिखनी है हमेशा, नंबर ऑफ मैंगोज प्लक्ड फ्रॉम ट्री। ये मैंने आपके लिए रेड से इसलिए लिखा आपको समझाने के लिए, अगर आप यहाँ वंस, टेंस, हंड्रेड नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, आपको एक बार प्रैक्टिस हो गई तो आपको ये याद रखना है कि मुझे हर डिजिट की प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग उसको उसके नीचे लिखना है। अब ये देखिए सेकेंड ट्री से कितना था 450 एंड नंबर ऑफ मैंगोज प्लक्ड फ्रॉम ट्री 3 = 295। अब इसको हम ऐड कर देंगे, ये देखिए हमने क्या किया, टोटल चाहिए हमें तो हमने क्या किया, एडिशन, प्लस किया, 5 + 1 = 10 कैरिड ओवर 1, 3 + 1 = 4, 4 + 5 = 9, 9 + 9 = 18, 1 कैरिड ओवर, देन 4 + 1 = 5, 5 + 4 = 9, 9 + 2 = 11। इट मीन्स ही इज हैविंग 1180 mangoes। I hope everything is clear। So also do the practice question बेटा, आप practice question भी करिए अपने maths के book में से, and keep learning, stay blessed, stay happy, और अपने friends के साथ share करिए, समझिए अपनी worksheet को, किसी को नहीं समझ आ रहा तो बेटा help कीजिए, जिसकी जितनी help कर सकते हो अपने friends की भी help कीजिए, और वो ताकि वो ये knowledge gain कर सकें। आप जितना अपने ज्ञान को बांटेंगे उतना ही आप और ज़्यादा सीखेंगे। आई होप यू एंजॉयड, थैंक यू।